हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। आज अपने साथ है ऑल न्यू 2024 KTM RC 390। तो आज की सुनो, KTM RC 390 में मिलने वाली फीचर, इसमें हुए चेंजेस, इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें आपको टोटल कितने कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते। सबसे पहले बात करते हैं RC 390 में आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं। देखो, इसमें दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, एक KTM इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर है, जो कि आपको पता है बहुत फेमस कलर है। इसके अलावा आपको KTM फैक्ट्री रेसिंग ब्लू कलर आता है। तो दो कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। ये जो RC 390 का लुक है ना यार, दमदार लुक है, बहुत तगड़ा लुक है, बहुत मस्कुलर लुक आता है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा ये देखो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला विंड वाइजर मिल जाता है अटैच आपको मीटर के हेडलाइट के। यहाँ LED हेडल का सेटअप आता है, साथ में आपको यहाँ पे साइड में ना ये DRLs भी आते हैं, जो कि आपको की ऑन होते से ऑन हो जाता है। ये देखो, साथ में आपको DRLs आते हैं, बाकी टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये देखो, ये वाइजर भी अटैच है। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, जो कि आपको एडजस्टेबल है, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेंटर में नंबर प्लेट की जगह मिलता है। अगर बात करें मडगार्ड की, मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। देखो, आपको पता है KTM में ना बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है। ये लोग प्राइस लेते हैं KTM वाले, पर बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा देते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताना, ये KTM RC 390 का ये फ्रंट का लुक आपको देख के कैसा लग रहा है। अभी इसके की को बंद करते हैं, बैटरी डाउन होगा। अभी बात करते हैं सस्पेंशन की। अगर बात करें सस्पेंशन की, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको UHD फॉर्क मिलता है, 43 mm इनर डायमीटर ट्यूब के साथ आता है। और यहाँ जो आपको UHD फॉर्क मिलता है ना, WP Apex का आता है, जो कि आपको कंपनी का सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत हद तक इंक्रीज हो जाने वाला है इस कंपनी की वजह से। अगर वहीं बात करें ब्रेकिंग की, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है। और अगर बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको रेगुलर कैलिपर पिस्टन मिल जाता है, 4 कैलिपर पिस्टन मिल जाता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, सबसे पहले देखो टायर यहाँ पे आपको 110/70 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। आपको पता है इसका LL यहाँ पे ऑरेंज कलर का आता है, जो कि आपको टोटली डिफरेंट लुक दे देता है। अभी बात करते हैं इसके राइट प्रोफाइल की। अगर बात करें राइट से, सबसे पहले इसका राइट का लुक देखो। ये जो KTM का लुक है ना यार, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड में। इसको देख के जो फील आती है ना, अगर आप एक KTM लवर हो ना, इसको देख के एक फील कर सकते हो। बाकी देखो, आपको फेयरिंग भी आपको 390 की बैचिंग मिल जाती है। RC का आपको स्टिकरिंग टाइप किया गया है, अलग से ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि आपको इसके कलर से बहुत अच्छा मैच कर रहा है। मतलब आई थिंक ये डार्क रेड टाइम समथिंग कुछ दिया गया है। बाकी देखो, आपको बॉडी यहाँ पर ऑरेंज कलर मिल जाता है, रेडी टू डेज का आपको स्टिकरिंग वगैरह मिल जाता है। टैंक के ऊपर देखो, आपको KTM की बैंडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्टिकरिंग का ही यूज किया गया है। आपको पता है यहाँ पे डुअल टोन में मिल जाता है, ये पार्ट यहाँ पे आपको फाइबर का मिलता है, पर ये ब्लैक आउट दिया है। ये ऑरेंज के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत अच्छा होता है। वैसे आपको पता है KTM यहाँ पे आप बोल्ट ऑन सब फ्रेम मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का सब फ्रेम दिया गया है। अगर बात करें सीट की, सीट आपको स्प्लिट मिलता है, क्लीन के लिए भी आपको सीट मिल जाता है। वैसे सीट की कुशनिंग अच्छी है, RC का एक ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ से आप ये सीट ओपन कर सकते हो। बाकी अगर बात करें ग्रैवल की, स्ट्रांग है, ब्लैक कलर का है, स्प्लिट आपको स्पोर्टी ग्रैवल मिल जाता है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, सबसे पहले आपका एग्जॉस्ट देखो, इसका एग्जॉस्ट ही थोड़ा डिफरेंट है और आवाज तो बहुत अच्छा आता है। इसकी फायरिंग मैं आपको सुनाऊंगा लास्ट में। बाकी देखो, आपको ये पिलियन के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है, राइडर के लिए जो मिलता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जैसा कि मैं बताया, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है KTM में। प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, पर क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। वैसे एक चीज नोटिस करना, इसका जो राइडर का है ना, फुटरेस्ट हल्का सा पीछे की तरफ रहता है। तो जब आप बैठोगे ना, तो बहुत अच्छा सिटिंग कंफर्ट लेवल आता है, आपका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा आ जाता है। बाकी देखो, आपको इंजन के ऊपर आपको रेसिंग KTM का मिल जाता है। आपको पता है इसमें किक तो आता नहीं है KTM के इसमें, तो यहीं पे आपको बाकी यहाँ डुअल टोन आपको इंजन मिल रही है, आपको ग्रे और ब्लैक के कम्बिनेशन में आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी आपको ये फ्रेम भी अटैच है, यहाँ पे ये इंजन गार्ड वगैरह मिल जाता है। आपको पता है इसमें लिक्विड कूल है, मैं इंजन के बारे में बात करूंगा आगे। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। देखो, जैसा कि मैं बताया, डुअल चैनल ABS है। रियर में आपको 230 mm का डिस्प्ले मिल जाता है, वाइब्रे का फ्लोटिंग कैलिपर पिस्टन यूज होता है। वैसे वाइब्रे का कंपनी तो बहुत अच्छा माना ही जाता है। अगर बात करें टायर की, देखो टायर यहाँ वाइडर दिया गया है, 150/60 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। यहाँ पे आपको ये LL ये ऑरेंज कलर में दिया गया है। वैसे आपको टायर अगर मिलता है बहुत मजबूत होता है, यहाँ पे आपको ये मेटल का मिलता है। बाकी इसको KTM की बैंडिंग वगैरह मिल जाती है।
अगर बात करें रियर सस्पेंशन की, देखो रियर में आपको मोनोसक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पे आपको डब्ल्यू पी एपेक्स का सस्पेंशन मिलता है जो कि आपको बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे आपको 10 स्टेप में एडजस्टेबल भी है तो अपने कंफर्ट से आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो कैसे आपको मेटलाप टाइप मिल जाता है तो ये भी धूल डस्ट पार्टिकल यहाँ कीचड़ से आपको बहुत प्रोटेक्ट कर देता है। अभी बात कर लेते हैं इसकी इंजन की। जैसा कि मैं बोल रहा था इसमें आपको दमदार इंजन मिलता है, 373.27 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC FI इंजन मिलता है। अगर बात करें इंजन डायमेंशन की, यहाँ बोर्ड 89 का मिल जाता है, स्ट्रॉक 60 mm का मिल जाता है। अभी बात करते हैं पावर की। देखो इसकी ATM 390 में ना पावर और टॉक दमदार दिया गया है। आप इस नंबर फिगर पे मत जाना, एक बार चला के देखना। वैसे मैं बताता हूँ इसमें मैक्सिमम पावर 43.5 PS का मिल जाता है 9000 RPM पे और 37 Nm का टॉक मिल जाता है 7000 RPM पे। जैसा कि मैं बोला इस नंबर फिगर पे मत जाओ, एक बार आप चला के देखो क्या फील आता है यार। ऐसे बात करते हैं रियर पार्ट की। सबसे पहले आप रियर का पार्ट देख लो। यहाँ आपको सिग्नेचर स्टाइल में ये KTM का टेल लाइट्स मिल जाता है, LED टेल लाइट्स, ऑल LED आपको अब मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको हाइलेंस के मिल सॉरी टर्न इंडिकेटर आपको LED ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट्स मिलता है, नंबर प्लेट की जगह दिया गया। तो इसका रियर का पार्ट है। अभी बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देख लो, राइट की तरह आपको लुक्स वगैरह दिया गया। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ KTM को लुक यार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आप वर्ड में, सिर्फ फील कर सकते हो। बाकी देखो टैंक के ऊपर आपको KTM की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये RC390 का स्टिकरिंग वगैरह किया है, ग्राफिक्स अटैच ही यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे RC का ग्राफिक्स टाइप लगाया गया है। बाकी इंजन के ऊपर भी आपको रेसिंग KTM मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे गियर बॉक्स की, यहाँ आपको 6-speed गियर बॉक्स मिलता है, 2 shifter पे मिलता है, साथ ही साथ आपको क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वैसे अगर बात करें चेन सेट की, ओपन चेन सिस्टम आता है। यहाँ पे आपको रियर में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है और यहाँ फ्रंट में आपको कॉर्निंग ABS भी मिल जाता है। और ये दोनों ABS और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ना स्विचेबल है, तो आपको मीटर में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे देखो ये कंपनी फिल्टर, यहाँ पे सारी का टाइप थोड़ा मिल जाता है, टायर अगर अटैच वगैरह। अभी बात करते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसकी ओवरऑल लेंथ यहाँ 2145 mm का मिल जाता है, ओवरऑल लेंथ यहाँ 760 mm का मिल जाता है। सीट हाइट यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया, 835 mm का सीट हाइट दिया गया, मतलब 5.7 हो तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से चला सकते हो। वैसे 5.6 भी इसको आप चला सकते हो। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 153 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर बात करें कर्व वेट की, 172 kg का कर्व वेट है। अगर वहीं बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 13.7 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। और ये टैंक दो यहाँ से देखो, इसका जो ये मस्कुलर लुक बनाया गया ना, इस पर ग्रिपिंग वगैरह बहुत अच्छा आता है। एक बार आप बैठना ना, सेटिंग पोस्चर और इस पर ग्रिपिंग बहुत अच्छा आएगा, तो इससे कंट्रोलिंग वगैरह आपका अच्छा आ जाएगा। बाकी E20 का जो स्टिकर आपको दिख रहा है, इसमें E20 रेडी आपको इंजन मिल रहा है, E20 आप फ्यूल यहाँ पर रखवा सकते हो। अभी बात करते हैं मीटर कंसोल की। सबसे पहले आप मीटर देखो, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है। बाकी देखो इसमें बहुत फीचर है, जैसे कि मैं बताया कॉर्निंग ABS को स्विचेबल कर सकते हो आप, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है। बाकी ट्रिप मीटर, साइड स्टैंड, यहाँ पे डेट, क्लॉक, बैटरी, यहाँ पे आपको टाकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ABS आपको यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी यहाँ से टॉगल वगैरह कर सकते हो, देखो यहाँ से आप दो फील वगैरह टॉगल कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ट्रिप्स, डेटा, KTM माई ड्राइव, बहुत फंक्शन है यार, मतलब जो भी आपको है ना सब इसमें दिया गया है। बाकी देखो आपको टेल्टेड लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट्स वगैरह मिल जाती है। अगर वही बात करें यहाँ स्विच किया कि, देखो पास लाइट के साथ अपर बीम लोअर बीम इंटीग्रेटेड आपको यहाँ स्विच मिल जाता है, यहाँ से टॉगल बटन मिल जाता है, यहाँ टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है, एक हॉर्न का स्विच मिल जाता है जो कि बहुत लाउड है। बाकी देखो इंजन किल स्विच मिल जाता है, इग्निशन का बटन मिल जाता है, जैसा कि मैं बताया WP एपेक्स का यहाँ पे आपको सस्पेंशन वगैरह मिलता है। बाकी की वगैरह देख लो, मैं आपको की दिखाता हूँ, वेब बाइक की वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये वाइजर अटैच, यहाँ पे मिरर मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। चलिए लगे हाथ इसके एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पे सुनते हैं एक बार। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना KTM RC390 का एग्जॉस्ट साउंड को कैसा लगा। अभी बात कर लेते हैं माइलेज की। देखो RC390 आप लेने जाओगे तो माइलेज खोजोगे नहीं, फिर भी आपको माइलेज में बताता हूँ, अराउंड आपको 25 kmpl का माइलेज में मिल जाता है। ये जो माइलेज है बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका स्पीड क्या है। जनरली इसको लोग स्लो स्पीड में चलाते नहीं, इकोनॉमी स्पीड में चलाते नहीं है, तो ये अप डाउन कर सकता है। तो जिनके पास RC390 है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें आपको ये माइलेज क्या मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। देखो इसका ऑनर प्राइस पुणे में 386,000 के अराउंड आता है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हो,
अपना सिटी का नाम बताओगे तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप केटीएम पर कोई भी बाइक लेना चाहते हो तो जेसी मोटरप्लेक्स अकोडी में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, विद मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो अपनी फोन पे बुकिंग ले सकते हैं या डायरेक्ट शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे इंस्टाग्राम आईडी रखा है, आप वहीं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।